खबर नैनपुर से। आजादी के अमृत महोत्सव पर बाघ संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व का प्रदेश भ्रमण। नैनपुर भारत सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भारत की आजादी के 75वें साल पूरे होने पर वन विभाग के द्वारा पूरे भारत में बाघ संरक्षण के ऊपर 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाया जा रहा। बाघ संरक्षण हेतु नियंत्रण NTA द्वारा सप्ताह के अंतर्गत देश के 51 टाइगर रिजर्व में जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2 प्रदेश के द्वारा मिलकर रैली संचालित की जा रही, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व द्वारा, जो कि 1 सप्ताह तक आयोजित होगी, जिसमें 2973 के टाइगर रिजर्व अधिनियम के अंतर्गत 9 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए, उन सभी जगह से होते हुए ये रैली प्रदेश भ्रमण कर रही है। इन सभी कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। NTA कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व, ये रैली 1 अक्टूबर से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बांधवगढ़ से पन्ना टाइगर रिजर्व से संजय टाइगर रिजर्व, वहां से सतपुना टाइगर रिजर्व से पेंच टाइगर रिजर्व से होते हुए नैनपुर पहुंची। इसके बाद ये कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचेंगी। इस रैली का नेतृत्व तो पेंच टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर SK मिश्रा द्वारा किया जा रहा था, जिन्हें नैनपुर में इसे कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर SK सिन्हा जी को सौंपा, जिसका समापन 7 अक्टूबर 2021 को कान्हा गेट के खाटिया ग्राम में किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में सभी सरकारी विभागों द्वारा अपने योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो हमारी नियंत्रणकारी संस्था NTCA है, उसने कार्यक्रम बनाया हुआ है, जिसमें 51 टाइगर रिजर्व जो देश के हैं उनके द्वारा रैलियाँ निकाली जाएंगी, और ये रैलियाँ इस जो वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह है इसके दौरान आयोजित की गई हैं, और हर एक दिन किसी न किसी टाइगर रिजर्व में ये कंक्लूड होगी, जहाँ पे एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जनता को बाघ संरक्षण के प्रति जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में यह रैली बांधवगढ़ से 1 तारीख को शुरू हुई है, 1 अक्टूबर को, उसके बाद फिर ये संजय टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पेश टाइगर रिजर्व होते हुए आज कान्हा टाइगर रिजर्व में पहुंचेगी, जिसके समापन का कार्यक्रम 7 अक्टूबर को खटिया में रखा गया है, जो कान्हा टाइगर रिजर्व का मेन गेट है, और वहाँ पे एक सभा होगी जिसमें हम संदेश देने का प्रयास करेंगे कि बाघ संरक्षण से ही मानव जाति का संरक्षण संभव है। नेशनल पार्क से जो यात्रा यहाँ पे अमृत महोत्सव के दौरान होगी, इसकी संक्षिप्त जानकारी किस उद्देश्यों को लेकर ये यात्रा जारी है और ये कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा बेसिकली आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए NTCA की तरफ से इंडिया फॉर टाइगर्स रैली ऑन व्हील्स शुरू की गई थी, जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से शुरू होके कल 4 तारीख को सतपुड़ा से होते हुए पेंच पहुंची थी। आज 5 तारीख को हम लोग पेंच से लेके कान्हा में ला के हैंड ओवर किए, अब आगे कान्हा में जाके 7 तारीख को कान्हा में फाइनल प्रोग्राम होगा। किन उद्देश्यों के लिए ये यात्रा की जा रही है? उद्देश्य इसका यही, बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, बाघ संरक्षण, और बाघ संरक्षण जब करेंगे तो उसके साथ पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसको सुरक्षित करना, और उसके लिए जगह जगह स्कूलों में बच्चों के साथ रैलियाँ करके उनका शपथ ग्रहण कराते हुए हम लोग आ रहे हैं। कितने समय से ये यात्रा जारी है और कब इसका समापन होगा? 1 तारीख से शुरू हुई थी, 7 तारीख को खत्म हो गया। खबर भारतवर्ष के लिए नैनपुर मंडला से मध्य प्रदेश से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।